मैं 40वीं उम्र में बने हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री, दुनिया में पहली बार प्रधानमंत्री जैसे पद वाले बड़े शख्सियत जिन्हें ह्यूमन बॉम्ब से मारा गया, राजीव गांधी के सत्ता में लौटने पर भारतीय शांति वाहिनी श्रीलंका लौट सकती है। इस डर से LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश की। राजीव गांधी की हत्या की साजिश शिवरासन ने रची थी। कुछ साथियों की मदद से इसे अंजाम दिया गया और धनुष से मानव बम के रूप में अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। पेरारी वलन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के केस में अपने 3 अन्य साथियों के साथ दोषी ठहराया गया था और पिछले 30 वर्षों से जेल की सजा काट रहा था। पेरारी वलन के साथ साथ मुरुगन, संतन और नलिनी को उम्र कैद की सजा दी गई। तो आइए जानते हैं 1991 में हुए हत्याकांड से लेकर 18 मई 2022 को परिवर्तन की रिहाई तक का पूरा घटनाक्रम क्या है। 21 मई 1991 तमिलनाडु के पेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली में महिला आत्मघाती हमलावर के विस्फोट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन। महिला की पहचान धनु के रूप में हुई थी। 24 मई 1991 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के एक विशेष जांच दल यानी कि SIT को जांच सौंपी गई। 11 जून 1991 में CBI ने 19 वर्षीय पेरारी वलन को गिरफ्तार किया। उस पर आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। 28 जनवरी 1998 टाडा अदालत ने पेरारी वलन समेत 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। 11 मई 1999 उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन की दोषी सिद्धि और सजा बरकरार रखी। 8 अक्टूबर 1999 सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन की पुनर्विचार याचिका खारिज की। अप्रैल 2000 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार की सिफारिश और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की अपील के आधार पर नलिनी की मौत की सजा को माफ कर दिया। 12 अगस्त 2011 पेरारी वलन ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के सक्षम दया याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका दायर की थी। 1 मई 2012 उच्च न्यायालय ने मामले को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किया। 18 फरवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दया याचिका पर फैसला करने में 11 साल की देरी के आधार पर पेरारी वलन की मौत की सजा को दो अन्य कैदियों यानी कि संतन और मुरुगन के साथ उम्र कैद में बदल दिया। 30 दिसंबर 2015 पेरारी वलन ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी सजा माफ करने के लिए याचिका दायर की। 9 सितंबर 2018 तमिलनाडु मंत्रिमंडल के पेरारी वलन की रिहाई की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसे राज्यपाल को भेजा गया था। 25 जनवरी 2021 तमिलनाडु के राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 के तहत पेरारी वलन द्वारा दायर याचिका को तमिलनाडु मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश के साथ भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा। बाद में 9 मार्च 2022 उच्चतम न्यायालय ने पेरारी वलन को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहा किया कि उसने 31 साल के अधिकतम समय जेल में बिताया। और फाइनली 18 मई 2022 उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया। आने वाले 21 मई को यानी कि परसों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनकी हत्या को 31 साल पूरे हो जाएंगे। आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए द रिपोर्टर।